सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो प्रमुख बिंदु जिसमें निर्णय लिए गए उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबसे पहला तो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24, इसमें जो धान खरीदी इसके पहले लगातार 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती रही है, इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी और धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। धान खरीदी के अलावा प्रति एकड़ मक्का की खरीदी 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक होगी। खरीफ विपणन वर्ष 23-24 में जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ कर्ज लेकर धान खरीदी का काम करती है और राज्य सहकारी विपणन संघ कुछ कर्ज लेती है राज्य सरकार की गारंटी पर और कुछ सीधे बैंकों के द्वारा वो कर्ज की प्राप्ति करती है। लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ हर साल लगता है धान खरीदी के लिए और उसके बाद मार्केट धान खरीदी का कार्य करती है जिला सहकारी बैंकों के सेवा सहकारी समितियों से। इस समय छत्तीसगढ़ में 2058 ग्रामीण सेवा सहकारी समितियां हैं जिसके माध्यम से धान खरीदी का काम होता है। अब उस धान खरीदी के लिए मार्केट को 14,700 करोड़ की वैधता, एक जो शासकीय प्रतिभूति होती है उसका वैधता 1 वर्ष के बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 उपार्जित धान की कस्टम लिंक से जो प्राप्त परिणामी चावल है वो हॉर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड के माध्यम से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRA की आपूर्ति के लिए सहमति हुई है। तो जो खरीदी करना है वो नाफेड के जरिए भारत सरकार की संस्था है उसे खरीदा जाए। मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक 4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर राज्य सरकार की तरफ से 15% की छूट प्रदान करने का उन्होंने घोषणा किया था तो वो आज उसका निर्णय लिया गया है। प्राकलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि लगभग 6,37,20,000 रुपये होती है और ये रायपुर विकास प्राधिकरण के को स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो लगातार कई वर्षों से मांग चले आ रही थी न्यू स्वागत विहार का जो योजना था जिसमें ग्राम ढूंढा सेजबहार बोरिया कला और तहसील व जिला रायपुर में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार, इसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण गया था, उच्च न्यायालय से भी निर्देश आए थे और बहुत से हितग्राही इसमें लगातार भटक रहे हैं कि इनको जो उन्होंने ज़मीन लिया है रजिस्ट्री कराई है वो कहीं और स्थान पे है और शासकीय भूमि में भी कुछ ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई। तो ये सारे विसंगति को दूर करने के लिए तत्कालीन सरकार के समय माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ था। इसमें नोडल विभाग के तौर पर रायपुर विकास प्राधिकरण को नियुक्त किया गया था और नियुक्ति के बाद करीब करीब 3300 लोगों ने इस मामले में जब दावा आपत्ति कॉल किया तो 3300 लोगों ने दावा अपना प्रस्तुत किया था। उसके बाद विभाग के द्वारा इसके दावे का परीक्षण करने पर ये पाया गया कि लगभग 2900 लोग उसमें पात्र पाए गए और वो हितग्राही जिनको भूखंड दिया जाना चाहिए। तो अभी जो भी पात्र पाए गए हैं इन सभी को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए यदि वो पूरा जो पुराना जो लेआउट है उसके आधार पर यदि उसको व्यवस्थापन किया जाएगा तो बड़ी विसंगति है और पुराने लेआउट में जो भी मंजूरी हुई थी तो उसमें बहुत से शर्तों का पालन भी नहीं हुआ था। तो मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि स्वीकृत जो पुराने 8 लेआउट थे उसको निरस्त करके और उसके बाद ये जो कॉलोनी है इस कॉलोनी में आगे चल के नियमितीकरण की अनुमति दी जाए। नियमितीकरण यदि शहरी क्षेत्र है तो नगर निगम करे और बाकी का जो कुछ हिस्सा ग्रामीण में आता है तो वो उसका नियमितीकरण अनुभागीय अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा
कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने के लिए, क्योंकि चूँकि वो सौगत बिहार के हिस्से में थी और वो ज़मीनें बेची जा चुकी थी पहले, और वो कमल विहार के नोटिफिकेशन में भी थी, तो अब यदि कमल विहार के नोटिफिकेशन में उसको रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी भूमि पहले से बिक चुकी है और वो स्वागत विहार के अंतर्गत है, तो उसको डीनोटिफाई करके और स्वागत विहार में जो पीड़ित पक्ष हैं वो उसको वो भूखंड उपलब्ध करा दिया जाए करके ये निर्णय हुआ है। नवा रायपुर अटल नगर में थोक बाज़ार कॉमर्शियल हब जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सबसे बड़ा मार्केट होगा थोक बाज़ार का, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा और 1083 एकड़ के आसपास अभी वर्तमान में ये ज़मीन प्रस्तावित है। तो नवा रायपुर में बहुत बड़े हिस्से में बसाहट की भी ज़रूरत है और लगातार इस बात का प्रयास होता रहा है कि इसमें बसाहट भी हो, लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो। इन दोनों को बातों को इसी दृष्टिकोण के आधार पर एक नवा रायपुर में जो कॉमर्शियल हब बनेगा, इसमें 540 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से इनको भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा, और 540 के हिसाब से अब बाकी का जो विकास का काम है वो NRDA अपने प्रावधानों के अंतर्गत करेगी, लेकिन भूखंड की जो राशि है वो 540 के हिसाब से निर्धारित है। लेकिन जो उसका मूल्य जो है, यदि उसमें अंतर आता है कैलकुलेट करने पर, तो वो राज्य शासन उसको वहन करेगी। लेकिन रोज़गार उपलब्ध कराना है तो 1.5 लाख का अनुमान है, और हब बनने के बाद बसाहट होगी, क्योंकि मार्केट बनेगा तो फिर बसाहट भी आएगी। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला हुआ है कि ये इसको बनाने की अनुमति दी जाए और 540 रुपये के हिसाब से वर्ग फीट के हिसाब से इसको ज़मीन को आवंटन करना है। इसके अलावा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक अधिकारी राजपत्रित होते हैं द्वितीय श्रेणी के, इसमें प्रमोशन के लिए पात्रता ये है कि 5 वर्ष का इसका अनुभव होना चाहिए। तो इसमें 5 वर्ष के अनुभव में 4 वर्ष की कमी है, तो उसको शिथिलीकरण करते हुए और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने का फैसला हुआ है। जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 3 पद, मैट्रिक्स लेवल 15, वेतनमान तो खैर वो नहीं, मतलब 3 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। राजगामी संपदा की, अब ये भूमियों का है लाइन से, राजगामी संपदा की भूमि वाइडनर मेमोरियल स्कूल हेतु भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। ये राजगामी संपदा है राजनांदगांव, रानी सूर्यमुखी देवी ट्रस्ट है उसके आधार पर जो राजगामी संपदा वो उनकी ज़मीनें हैं। इसके अलावा रतनपुर में रत्नेश्वर कुर्मी क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आवंटन और व्यवस्थापन में रियायत कंसेशन दरों में देने का निर्णय हुआ है। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हलवा आदिवासी समाज भिलाई दुर्ग को आवंटित भूमि में रियायत देने का निर्णय हुआ है। गोड़ समाज जिला सरगुजा को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय हुआ है। रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तहसील साहू संघ छुरिया जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मनेंद्रगढ़ नगरी क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6-4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ग्राम पंचायत घुमका जिला राजनांदगांव को इसको नगर पंचायत बनाना है, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर 5,000 की आबादी नहीं पहुंची है, लेकिन वो 2011 की जनगणना थी और वर्तमान में वहाँ की आबादी 5 से ऊपर हो चुकी है, हालाँकि आंकड़े प्रकाशित नहीं हैं, तो वो उसको मान्य करते हुए और इसको नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया, निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करते हुए। ग्राम पंचायत पोरथा जिला शक्ति को, ये भी इसी प्रकार का है, 2011 के जो जनगणना है तो उसमें जो इसके आंकड़े हैं वो 5,000 से कम हैं,
और वर्तमान में क्योंकि ये बढ़ चुका है तो इसके नियम में भी छूट देते हुए और पोरसा को नगर पंचायत बनाए जाने का अनुमति दिया गया, निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी में श्री सुदीप ठाकुर को संचालक संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया और रामेश्वर गाहिरा गुरु राज्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट जिला बलरामपुर रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ आशासकीय महाविद्यालय और संस्था स्थापन एवं विनियमन नियम 2004-06 के प्रावधान के अंतर्गत 100% अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यदि ये सारे फैसले हैं, अब आपका किसी का कोई सवाल हो तो पूछ। नियमितीकरण को लेकर फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।